बहू अचार का मसाला तैयार कर दिया ना? हाँ माँ तैयार कर लिया है। वैसे अब आप अचार पर विचार करना छोड़िए और ये बताइए कि आपको बानी और पिया दोनों कैसी लगी। माँ वो कटोरदान मैंने खाली कर दिए। डोंट वरी भैया, आपके लिए दो गुजिया रखी है मैंने। और भाभी आपके लिए भी दो गुजिया बचा रखी है। हाँ, और अपने भैया के सामने कह दिया, अब वो भी खत्म हो जाएंगी। माँ पिया आपको पसंद है ना? अब तुम्हें पसंद है तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों माँ? भाई हमें तो पसंद है। अच्छा पुष्कर, आज शाम को अपने घर पे सत्यनारायण की पूजा रखी है, सारे रिश्तेदार आने वाले, तुम शाम को कहीं नहीं जा सकते बस। और हाँ पिया से भी कहना कि वो पूजा में आएगी। उससे कहना कि वो साड़ी पहनकर पूजा में है। पिया और साड़ी? अच्छा ठीक है, जो पहनना है पहना है, लेकिन उससे कहना कि हमने जो कंगन दिए ना उसे, उन्हें जरूर पहन के आएगी। बोल दूंगा माँ। अच्छा रुक, तो ये अपने बालों की क्या हालत बना के रखी है? हा? रुक मैं तेरे सर में तेल लगा देती हूँ। तेल और मेरे बालों में? थैंक यू माँ, मुझे जाना है माँ। बाय बाय पुष्कर। यू नो रानो, आज कैंटीन में बैठे बैठे ही ना मुझे पिछले 10 साल के पेपर्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दो सेमेस्टर्स के नोट्स मिल गए। एंड यू नो एक लड़का तो इतना पागल था, उसने मेरे एग्जाम देने का ही ऑफर कर दिया। तो तुम्हें कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? कैंटीन में बैठे बैठे अपने रिजल्ट के ले लेना। ए कहाँ चला रहे हो? देखते नहीं हो कौन खड़ा हुआ है यहाँ पे? तुमने ठीक कहा, जब भी तुम्हें देखता हूँ कुछ नजर नहीं आता। हाय रानो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। फिर कोई पार्टी है क्या? पार्टी नहीं, मेरे घर पर पूजा है। पिया और पूजा, पिया को सिर्फ पार्टियाँ पसंद है, पूजा नहीं। पार्टियाँ तो मुझे भी पसंद है, पर तुम्हें आना होगा। और हाँ मॉम ने जो तुम्हें कंगन दिया ना वो जरूर पहन कर आना, उन्हें अच्छा लगेगा। ओके बाय। हेलो दी, मैं पिया बोल रही हूँ। प्रॉब्लम दी, पुष्कर अभी कॉलेज आया था, उसके घर में एक पूजा हो रही है और उसने हमें इनवाइट किया है, लेकिन वो चाहता है कि जो कंगन उसकी मॉम ने मुझे गिफ्ट किए थे मैं वो पहनूं, क्योंकि वो उनके खानदानी कंगन है। दी लेकिन अभी अभी कॉलेज के पास एक ज्वेलरी शॉप में मैंने वो कंगन तोड़वा के नए बनाने के लिए दे दिए। या सब कुछ करने के बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या करूँ? पुष्कर की मम्मी ने तुम्हें वो कंगन गिफ्ट किए और तुम मुझसे गलती हो गई, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, अब परेशान मत हो, तुम अभी जाकर अपने कंगन इस ज्वेलर के पास से वापस ले आओ। ओके दी। मिस्टर मखीजा इट्स ओके, बिजनेस में तो प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अब आपने मुझे बता दिया है, आई विल हैंडल इट, चिंता की कोई जरूरत नहीं। कम इन, आई विल कॉल यू बैक, थैंक्स। बैठो। थैंक यू सर, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? सर आपका रेंट देना है। बानी इसकी कोई जरूरत नहीं। सर जरूरत है, प्लीज। ठीक है रख लेता, लेकिन किराए के तौर पे नहीं, ये तुम्हारी सेविंग्स हैं जो मेरे पास रहेंगी। देखो बानी, अब तुम मेरे घर में किराएदार बनकर नहीं रह रही, मेरे परिवार का हिस्सा बनकर रह रही, और परिवार वालों से किराया नहीं लिया जाता। ये तुम्हारी सेविंग्स हैं, जब भी जरूरत पड़े ले लेना। सर जब हम आपके यहाँ पहली बार आए थे तो मुझे लगा था कि आप हमारी मदद नहीं करेंगे, पर मैं गलत थी। सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं। आप है सर, और आपका दिल बिल्कुल बच्चों जैसा है। बच्चों जैसा? सर हमारी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। ठीक है अब जाके काम करो। अंकल ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की जो फाइल पुष्कर को सौंपी, मुझे वो फाइल चाहिए। करोड़ों रुपयों के टर्नओवर के बिजनेस में कुछ लाख इधर उधर हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करोगी। पहली बार तुम लोग इस घर में आए थे, तुमने कहा था कि ये घर नहीं है मकान है,
तुम लोगों के आने के बाद ये मकान घर में बदल चुका। जो इंसान अपने परिवार का हिस्सा मानता है, जिसने इस अनजान शहर में इतना विश्वास किया है मुझ पर, मैं उसे धोखा कैसे दे सकती हूँ? मैं मिस्टर जयवालिया के साथ कोई विश्वासघात नहीं करूंगी। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अगर नीयत खराब हो जाए तो मुझे दोष मत देना। यू लुकिंग वेरी सेक्सी। सत्यनारायण जी की पूजा में मेरी खास मेहमान का स्वागत है। आइए। कृष्णा, इस लड़की को कहीं देखा है? बस बस, नजर मत लगाना हमारी पिया को। हाँ, ये क्या, तुमने कंगन नहीं पहने? वो आंटी। माँ, एक्चुअली पिया ये कंगन आपके सामने मेरे हाथों से पहनना चाहती है। ये तो वही कंगन है, लेकिन ये कंगन पुष्कर के पास कैसे आए? पिया, दी, ये कंगन? पिया, ये कंगन मैंने वर्कशॉप से लाकर पुष्कर को दिए थे। मुझे पता था कि तुम ज्वेलर के पास जाने से रही, और आज की शाम इन कंगनों का तुम्हारे हाथों में होना बहुत जरूरी था। थैंक्स दी। इट्स ओके पिया। शनवीर का फोन। अंकल ने अपने ड्रीम बजट की जो फाइल पुष्कर को सौंपी, मुझे वो फाइल चाहिए। अरे पानी पिया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? फोटोग्राफ खींचने के लिए कैमरा तुम्हारा वेट कर रहा है। चले। नहीं भाभी, आप पिया को ले जाइए, ये आपके फैमिली के मेंबर है। मैं तो बस। अरे पानी, ऐसी बात दोबारा कभी मत करना, वरना हमारी फैमिली नाराज हो जाएगी। चल। चलो चल, पूजा में देर हो रही, आओ ना। नहीं रणवीर, इस बार मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली हूँ। चलो पानी, पूजा शुरू होने वाली है। नहीं पुष्कर, एक्चुअली ऑफिस से कई बार फोन आ चुका है, मुझे जाना होगा। बानी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना। प्लीज पुष्कर, तुम तो समझ सकते हो ना, मैं अपनी जॉब का रिस्क नहीं ले सकती। मैं चलती हूँ। चोरों की तरह घुसने का क्या मतलब है? ये तुम्हारा नहीं, हमारा घर है। तुम तीनों बहनें यहाँ पर अपना कुछ वक्त काट रहे हैं। पता नहीं ये वक्त कब खत्म हो जाए। वो फाइल कहाँ है? कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हें वो फाइल कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारे कहने पर मैं मिस्टर वालिया या पुष्कर को कभी धोखा नहीं दूंगी। उनके साथ मैं कोई विश्वासघात नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है, अगर तुम पूरी दुनिया के सामने अपनी बहन की इज्जत का तमाशा बनाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। सबसे पहले पिया और पुष्कर के मोहब्बत भरे दृश्य जय अंकल देखे, उसके बाद इस प्रेम कहानी का स्पेशल शो पुष्कर के घर वाले देखे।
सीढ़ी है सीढ़ी मीडिया के पास जाएगी, फिर इंटरनेट पर। देखते देखते सारी दुनिया देखेगी कि जब रणबीर दुश्मनी पर आता है तो कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाता है। अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम हो, मैं नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रणबीर जो कहता है वही करता है। प्लीज रणबीर, मैं तुम्हारे आगे अपनी बहन की इज्जत की भीख मांगती हूँ, ऐसा मत करो। तुम्हें जो कुछ भी भीख में मिला है सब छीन लूंगा मैं। ऐसा मत करो रणबीर। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रणबीर, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं भी अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बेटा, इन दोनों का ख्याल रखना भाई। फिर से कुछ तोड़ दिया कुछ न। रणबीर! 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 रणबीर आके कुल रणबीर आदित्य आदित्य कोई डॉक्टर को बुलाओ कोई डोली डोली रणबीर अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता जिज्ञासा से। जय भैया भी नहीं, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम मरते दम तक याद रखोगी। याद रखना इस थप्पड़ की गूंज को और जिज्ञासा को, क्योंकि ये गूंज और जिज्ञासा तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। एसीपी सावंत, जिज्ञासा बोल रही हूं। घबराने की कोई बात नहीं, मैंने इनको दवा दे दी है, थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। जिज्ञासा अब गुस्सा छोड़ दो। मेरे बेटे की हालत देखी आपने? इस लड़की को तो मैं उसके एहसान फरामोशी का सबक सिखा कर ही रहूंगी। नहीं, एक्चुअली गलती तो हमसे हुई है जय भैया। इन तीनों बहनों को आउट हाउस से निकाल कर इस घर में रखा, ये गलती हुई है हमसे। लेकिन डोंट वरी, इस गलती को मैंने सुधार दिया है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, अभी आती होगी पुलिस। पुलिस? ये कैसे, तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? क्योंकि इनमें से मेरे बेटे के लिए कोई भी पुलिस को नहीं बुलाता। मैंने कसम खाई है इस लड़की की जगह इस घर में नहीं जेल में होगी। Excuse me, sir. Inspector Savant आए। Get him in right now. ACP Savant, यह है वो लड़की। Arrest her right now. अभी इसी वक्त लेके जाइए उसको इस घर से। एक मिनट इंस्पेक्टर। जिज्ञासा, एक गलती होने के बाद दूसरी गलती करने से पहले जरा पता तो कर लेते हैं कि पूरी बात क्या है।
रणवीर और बानी के बीच में ये दुश्मनी क्यों है? बानी की इस हरकत के पीछे उसका मकसद क्या है? मेरे बेटे के साथ बानी, इनका मकसद मैं बता दूं, माँ उस ड्रॉअर में एक फाइल पड़ी है, प्लीज उसे निकाल दीजिए। कल मैं ये फाइल देख रहा था, हमारे होटल के स्टॉक में ऑलरेडी 6 महीने का एडवांस स्टॉक मौजूद है, लाखों रुपये का नया स्टॉक खरीदा गया, इसमें लाखों रुपये की धांधली हुई है और इस फाइल पर मिस बानी दीक्षित के सिग्नेचर मौजूद है। करोड़ों रुपयों के टर्नओवर के बिजनेस में कुछ लाख इधर उधर हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जिस फाइल पर धमकी देकर रणवीर ने मेरे दस्तखत दिए, अब वही फाइल दिखाकर रणवीर मुझे गुनहगार साबित करना चाहता है। सुनने में तो ये भी आया है कि आपके उस बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को, जिसे आपने कॉन्फिडेंशियल रखा था, उस प्रोजेक्ट को लीक करने की भी साजिश चल रही है। इसी सिलसिले में मैं इनसे बात करने गया था। बानी, रणवीर जो कह रहा है वो सच है? इस फाइल में तुम्हारी सिग्नेचर है? सब उस फाइल में मेरे साइन है, लेकिन वो साइन मुझसे करवाए गए हैं। किसने करवाए? एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगी तुम? बानी, साइन किसने करवाए? मैं रणवीर का नाम नहीं बता सकती। अगर मुझसे बदला लेने के लिए रणवीर ने सीडी की बात यहाँ कह दी तो पिया का क्या होगा? नहीं, मुझे चुप रहना होगा। इंस्पेक्टर, इसे ले जाइए। होल्ड ऑन, अरेस्ट हर। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद आपके साथ चलती हूँ। रणवीर अभी एकदम ठीक है, आराम कर रहा है, थोड़ा सा कमजोर फील कर रहा है बस। I'll call you later. रानू, भगवान पे भरोसा करती हो? मेरे ख्याल से तुम्हें प्रार्थना शुरू कर देनी चाहिए। जिंदगी भर अगर किताबें ही पढ़ती रही तो अपनी बहनों की असलियत कब जानोगी बेटा? ये एक बात समझ में नहीं आती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों दूसरों की जिंदगी में झांकते रहते हैं आप? दूसरों की खुशी क्यों बर्दाश्त नहीं होती आपसे? कभी अपनी असलियत जानने का वक्त मिलता है आपको? मुझे अपने वक्त के साथ क्या करना चाहिए ये मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। सरप्राइजिंगली रानू, मैं तुम्हारी असलियत भी जानती हूँ। तुम्हारे मुंह से हमेशा कड़वे बोली फूटते हैं और मैंने ऐसे सुना है कि तुम्हें अकेले में बहुत डर लगता है अपने आप से। हाँ, शायद यही वजह है कि तुम्हारी आदर्श बहन बानी ने तुम्हें नहीं बताया कि वो जेल चली गई है। पुलिस अभी अभी लेकर गई है तुम्हारी बानी दीदी को।